अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई नदीम अहमद फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपना ड्राइंग रूम सेटअप कर रहे हैं। ड्राइंग रूम आप देखते हैं काफी हद तक सेटअप हो गया हुआ है, ठीक है। ये देखें, LED भी लग गई हुई है। ये यार थोड़ा सा जरा यहाँ पे काम हुआ है, जिसमें मैंने आपको लास्ट व्लॉग के अंदर अपडेट किया था कि यहाँ पे कोई स्विच नहीं है लगाने के लिए, तो ये स्विच हमने लगवा लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा जो है क्या नाम है, एक्सबॉक्स भी पड़ा हुआ है। ये मैं जरा ये देख रहे हैं, ये पर्दों के लिए लेके आए यहाँ पे, क्योंकि पर्दा लगवाया है नया। ये देखें जरा आप, सोफे के साथ मैच करके थोड़ा गंद वगैरह पड़ा हुआ, इग्नोर इट। अभी ये जो है ये यहाँ पे फिट होना है इस तरह करके, और इसके लिए अभी जरा मुझे एक स्पेशल किस्म का पेज चाहिए, वो मिल नहीं रहा। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो ये दीवार के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने एक, मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ दीवार का, ये दीवार का जो व्यू है, यहाँ पर हमने एक सीनरी लगानी है इस दीवार का, या फिर डिस्कस हुआ था दीवार के ऊपर हमने कुछ ना कुछ लगाना है, तो उसके लिए हमने एक नई चीज़ मंगवा ली हुई है। ये देखें जी सामने, ये मैंने एक पार्सल मंगवाया है, ये कंपनी है प्राइम डिकोर। मैं इस कंपनी का जो लिंक है वो भी आपसे शेयर कर दूँ, वही है, इसको भी अनबॉक्स करते हैं और आप इसकी 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 क्वालिटी और इसकी जो क्या नाम है प्राइस वगैरह आपसे शेयर करते हैं। जी जनाब, ये हमारा पार्सल हमारे सामने आ चुका है, इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, और इसके अंदर जो सिंधियां लगी हुई मेरी बिल्कुल पैक वाली दीवार के ऊपर जो है, ये सिंधियां हमने प्लेस करनी है। आप फिर शेयर करते हैं मैंने कौन सा डिजाइन हुआ है और किस तरह की सिंधियां निकलती हैं और इसके अंदर क्या है, फिर करें फिर अनबॉक्सिंग। आगे फिर ये देखें, ये हमारे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए हमारा औजार आ गया है, ठीक है जी। इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स करने का ना इतना ही मजा है। अनबॉक्सिंग जो हमने वो कर दी हुई है, ठीक है, इसको खोलते हैं। पीस वन डिस्क्लोज में इकट्ठा करूंगा, ठीक है। पीस टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ये फाइव पीसेस के अंदर आती है सिंदरी बेसिकली, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर सबसे बड़ा पीस होता है। इससे बड़ा साइज भी है, छोटा साइज भी है, तो आप अपनी वॉल के हिसाब से जो भी आपको साइज पसंद हो आप ले सकते हैं। अभी हमारे पास जो साइज हमने ये लिया, अभी इसको वॉल को प्लेस करते हैं, ठीक है। जी गाइस, आप लोगों ने देख लिया कि हमने अनबॉक्सिंग तो कर ली थी, थोड़ी सी मेहनत लगी है, आपने मेरी मेहनत तो देखी होगी। बेसिकली इसको बैलेंस करना, क्योंकि 5 पीस ना अलग अलग जाते, उनको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उनको जो है क्या नाम है सेटिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने इंची टेप वगैरह इस्तेमाल करके अपनी स्किल लगा के कर लिया है। तो आपके साथ शेयर करें फिर फाइनल लुक। आइए फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। ये देखें जी फाइनल लुक, ठीक है। देखें अब ये वॉल है, ठीक है। ये नीचे अगर आप जाएंगे सोफा सेटिंग, ठीक है, और ये सोफे से ऊपर जाए भी काफी। कमेंट में बताना है मुझे कि कैसी लग रही है आपको इस सीनरी फाइनल लुक। और ये हमने एक लैंप्स का एडिशन भी अपने ड्राइंग रूम के अंदर किया है। गाइस, ये हमने फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में मेरे ये हमने सेटअप कर ली हुई है। ये बिल्कुल छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि किस तरह मैंने जो है ये ऑर्डर की, कहाँ से ऑर्डर की और किस तरह मैंने प्लान किया। और ये देख लें फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कि मैंने बना ली है, ठीक है। अभी इस रूम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें करनी है, ऐसा ऐसा करते जाएंगे और आपसे शेयर करते जाएंगे। अभी के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।